मुंगेली में पीएचयू विभाग द्वारा बनाए गए अधिकतर पानी टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए टंकी को सफेद हाथी साबित हो रही है। मुंगेली में जल आवर्धन एवं नल जल योजना के तहत पीएचयू विभाग के द्वारा बनाई गई टंकी सफेद हाथी के समान प्रतीत हो रही है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च कर निर्माण किए गए अधिकतर टंकी से पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। बता दें कि जिले में पीएचयू विभाग के द्वारा 67 टंकियों का निर्माण किया जा चुका है, मगर करोड़ों रुपए खर्च कर टंकियों का निर्माण तो विभाग द्वारा कर दिया गया है। मुश्किल से इन टंकियों में से तीन चार टंकियों में ही पानी की सप्लाई सतत रूप से की जा रही है। बाकी के जगहों में टंकी की बजाय अलग से मोटर के द्वारा पानी की सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के घरों में टेप नल का कनेक्शन भी आधी अधूरी स्थिति में है, तो ऐसे में पानी की सप्लाई किए जाने की कल्पना करना ही व्यर्थ है। वहीं विभाग का यह भी दावा है कि इस योजना के तहत संबंधित ग्राम पंचायतों को हर साल मेंटेनेंस के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव इस तरह के मेंटेनेंस अति प्राप्त होने की बात से इनकार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। वहीं जिस उद्देश्य से पानी टंकी का निर्माण कराया गया है वह उद्देश्य ही पूरा होते नहीं दिख रहा है, तो फिर टंकियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों, ये भी एक सवाल है। मामले में जहां बीजेपी नेता संबंधित विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वही कांग्रेसी नेताओं ने संबंधित विभाग से चर्चा कर व्यवस्था दुरुस्त कर लेने की बात कह रहे हैं। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप।